स्टूडेंट्स, हम पढ़े थे लेसन नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसमें लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और उस प्रतिबिंब के कौन कौन से गुण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। देखो, समतल दर्पण जो होता है, समतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ, मतलब जहाँ पे परावर्तन होता है वो बिल्कुल समतल होता है, जैसे बिल्कुल सीधा। लेकिन गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोल होता है। जैसे पहली क्लासों में भी पढ़ा है, ये इस तरह का परावर्तक पृष्ठ होता है गोलीय दर्पण का। या तो इस साइड वाला पृष्ठ परावर्तक होगा या दूसरी साइड वाला पृष्ठ परावर्तक होगा। अगर इस साइड वाला पृष्ठ इसका परावर्तक है, मान लो ये इस साइड वाला इसका भाग चमकीला है, तो ये दर्पण तभी बनेगा जब इसकी दूसरी साइड में कोई परावर्तक सतह लगी होगी। जैसे मैंने बताया था समतल दर्पण में भी लगी होती है, तो जितने भी दर्पण हैं सभी में कोई ना कोई परावर्तक पृष्ठ लगा होता है, या कोई उसके ऊपर कोई परत चढ़ा दी जाती है, चांदी की या कोई एल्यूमिनियम की। तो अगर इस साइड ये चमकीला है तो इसकी दूसरी साइड में परावर्तक सतह चढ़ाई जाएगी इसके ऊपर यहाँ पे, फिर उसको बचाने के लिए इसके ऊपर पेंट कर देंगे, तो हमें वो पेंट दिखाई देता है। जब भी हम कोई दर्पण देखते हैं उसके पीछे जो पेंट सा दिखाई देता है वो सिर्फ एक परावर्तक के सतह को बचाने के लिए लगा जाता है। तो इस साइड, और मैंने ये भी बताया था कि साइंस में हम उस पेंट को दिखाने के लिए ऐसी तिरछी लाइनें लगाते हैं। इन लाइनों का मतलब क्या है कि ये इस साइड से इस पे पेंट किया गया है, या इसकी परावर्तक सतह इसके ऊपर इस साइड चढ़ाई गई है। तो इस पे अगर मैंने ये ऐसे लाइनें लगाई तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका परावर्तक पृष्ठ इस साइड है। अगर मैं ऐसे करता हूँ और ऐसे करके मैंने मान लो, तो अब इसका परावर्तक पृष्ठ इस साइड है, ठीक है। गोलीय दर्पण को गोलीय क्यों बोलते हैं, तुम्हें दिखाई दे रहा है ये गोल है, ये किसी न किसी गोले का एक पार्ट है। गोले से लिया, मान लो ये एक गोला था, ये गोला है, तो इसका ये वाला पार्ट हमने काट लिया, ये इतना पार्ट, ठीक है। इस गोले का कोई ना कोई कोई केंद्र भी होगा, तो इसका केंद्र है, ठीक। अब इसको हटा दो, ये देखो ये हमारा दर्पण बन गया। ये दर्पण अगर ये इसका ये वाला भाग पेंट है तो इसका परावर्तक पृष्ठ इस साइड हो गया, और ये इसका केंद्र है तो इस केंद्र का नाम होता है वक्र का केंद्र। वक्र का केंद्र, ये वाला वक्र का केंद्र, तुम्हें पता है यहां से लेकर यहां तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। साधारण वैसे बोलते त्रिज्या, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक वो उसका हिस्सा लिया। देखो ये वक्र, वक्र का मतलब टेढ़ा, तो ये वक्र ले लिया तो ये इसकी त्रिज्या होगी। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, कैपिटल आर से वक्रता त्रिज्या को दिखाते हैं, ठीक है। ये तो बात होगी। अब जब भी गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीजें हमें याद करनी पड़ती है, उनको याद रखना पड़ेगा। जैसे ये दर्पण ले लिया हमने, ये कौन सा दर्पण है, अगर इसका अंदर वाला भाग चमकीला है तो ये होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और अगर इसका ये वाला भाग चमकीला है तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये अवतल दर्पण हमने लिया, ये अवतल दर्पण का यहां से लेकर यहां तक ये भाग परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ को यहां से लेकर यहां तक, इस पे कहीं भी अगर प्रकाश की किरण गिरती है तो ये उसका परावर्तन करेगा। हिंदी में इस भाग को यहां से यहां तक, इस परावर्तक पृष्ठ का नाम है द्वारक, इसको द्वारक बोलते हैं, द्वारक।
इंग्लिश में बोलते हैं अपर्चर, इसका कोई भी नाम रख सकते हैं एम एन। अब इस प्रावर्तक सतह का मध्य बिंदु, बीच में बिंदु ले लो, यहां पे ले लिया हमने, इसको बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव पोल, ठीक। और यहां पे था इसका वक्रता केंद्र, ये क्या है वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो मैंने पहले भी बताई है, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर से दिखाएंगे, ठीक है, कैपिटल आर से, स्मॉल आर से नहीं दिखाएंगे। और ये उत्तल दर्पण हमने लिया, सॉरी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को जहां से सूर्य की रोशनी पड़ रही है उसके सामने रखो और एक कागज उसके सामने रख लो, जैसे हम कागज को जलाते हैं तो उसको थोड़ा एडजस्ट करो इस हिसाब से कि उस पर एक बिंदु सा बन जाए, हम ऐसा करते भी हैं। तो उस कागज पर जब एक बिंदु सा बन जाएगा तो थोड़ी देर वहां पे ऐसे रखने से उसमें आग लग जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो वहां पे वो बिंदु बनता है वो सूर्य का प्रतिबिंब है। देखो सूर्य कितना गर्म है, और अगर उसका प्रतिबिंब कागज के ऊपर बन जाएगा तो वो भी गर्म हो जाएगा और जलना शुरू कर देगा। तो वो कैसे बनता है? सूर्य अनंत दूरी पे है, पता ही नहीं कितनी दूरी है, वैसे मतलब साइंटिस्टों के हिसाब से तो 15 करोड़ किलोमीटर लगभग दूर है, लेकिन हमारे हिसाब से तो बहुत ज्यादा दूरी है। तो उससे आने वाली किरणें मतलब अनंत से आ रही, तो मान ये किरणें आई और ये आई, परावर्तक सतह से टकरा कर ये किरणें ऐसे गई और ऐसे गई, ये ऐसे आई, तीर का निशान जरूर लगाना है, ये ऐसे गई और ऐसे गई, यहां पे इन्होंने काट दिया, ठीक है। ये जो बिंदु तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये बिंदु यहां पे सूर्य का प्रतिबिंब बनेगा और यहीं से ये कागज जलना शुरू करेगा। देखो सारी किरणें चाहे कोई भी आए, ऐसे आए वो भी इसी में से जाएगी, फिर और आएगी ऐसे टकरा कर वो भी इसी में से जाएगी, सारी किरणें एक ही बिंदु पे केंद्रित हो जाएंगी, समझ लो जैसे हम बोलते हैं कि फोकस करो, तो इन्होंने सभी ने एक ही बिंदु पे फोकस कर दिया, तो इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। इसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं, कैपिटल एफ मुख्य फोकस, कैपिटल एफ, ठीक है। अब ये जो ध्रुव है इसको पी से दिखाते हैं, पोल, पी और एफ के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं, स्मॉल एफ से दर्शाएंगे हम, ठीक, फोकस दूरी, फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ से दिखाएंगे। वक्रता त्रिज्या मतलब वक्रता केंद्र, इसको सी से दिखाते हैं, वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, इसको कैपिटल आर से दिखाते हैं, ठीक। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है, क्या संबंध? कैपिटल आर बराबर 2f, कैपिटल आर बराबर 2f, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, जितनी ये दूरी है यहां से इतनी दूरी आगे भी होती है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, मुख्य फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, ठीक, फोकस दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, द्वारक क्या है, ये चीजें मैंने बताई। अब सी और पी मतलब वक्रता केंद्र और पी, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा दें तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, इस लाइन को, जो ये लाइन है जो ये गई है, इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, ये जो लाइन गई है कौन सी लाइन, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होती हुई
जो लाइन जाएगी इसको कहेंगे मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये कुछ परिभाषाएं या ये कह लो कुछ टर्मिनोलॉजी ये याद रखनी है, ये सारे काम आएंगे अब आगे। ये तो मैंने तुम्हें अवतल दर्पण में करके दिखा दिया, अवतल दर्पण, ठीक है, कंकेव मिरर, अवतल दर्पण में करके बताया। अब मान लो इसकी जगह अगर होता उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, ये वाला पृष्ठ इसका चमकीला होता परावर्तक, ये इसका द्वारक है यहां से लेकर और यहां तक एम एन, ठीक है, इसका मध्य बिंदु पी, इसको तुम्हें ये ऐसे करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या बना दिया है। ये लाइन ड्रॉ हमने कर दी तिरछी लाइन है तो ये एक दर्पण बन जाएगा, वो भी उत्तल दर्पण, क्योंकि बाहर वाला पृष्ठ चमकीला है। अब ये पी ध्रुव, ध्रुव और ये हो गया इसका वक्र का केंद्र सी। अब इसमें से गुजरने वाली लाइन मैंने बताया था, इसमें से गुजरने वाली लाइन जो होती है वो होती है मुख्य अक्ष, तो ये मैंने बना दिया मुख्य अक्ष। इसका वक्रता केंद्र इस साइड होगा, देखो क्योंकि इसका कर्वेचर इस साइड है, इसका मुख्य फोकस भी इसी साइड होएगा, तो ये इसका मुख्य वक्र, क्योंकि पी और सी से लगभग आधा होता है ना, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा मुख्य फोकस। अब जब हम इस उत्तल दर्पण को रखते हैं सूर्य के सामने तो प्रकाश की किरणें समानांतर आएंगी ऐसे, या ऐसे क्या वो इसे टकराएगी, टकराने के बाद अब इसको क्रॉस तो कर नहीं सकती, टकराने के बाद वो जाएगी ये गई, ये आई और ये गई, ये आई और ये गई, ठीक है भाई, ये कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ये टकराने के बाद ये किरणें कभी कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तो हमें क्या प्रतीत होगा, अगले हम इनको पीछे बढ़ा देंगे तो ये इस बिंदु पे प्रतिच्छेद काटती हुई प्रतीत होंगी, इनको पीछे बढ़ाने पर इस बिंदु पे ये काटती हुई प्रतीत होंगी, तो ये बिंदु इस उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस है और यही पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, किसका, सूर्य का, क्योंकि यहाँ पर ये किरणें हकीकत में नहीं काट रही है, रियल में नहीं काट रही है, सिर्फ हमने अजूम किया, इनको पीछे बढ़ाने पर हमें हमने देखा कि ये पीछे काट रही है, तो यहाँ पर सूर्य का प्रतिबिंब बनेगा, तो ये प्रतिबिंब आभासी होगा, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होगा, जबकि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बना था उसमें किरणें वास्तविक एक दूसरे को काट रही थी, इसलिए उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है, आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।